भाजपा नेताओं ने कहा कमलनाथ सरकार ने जहां 15 महीने जमकर तबादला उद्योग चलाया, वहीं शिवराज सिंह ने मात्र 100 दिन में जनकल्याण के काम फिर शुरू कर दिए। बीजेपी सरकार कोरोना पर भी कंट्रोल के लिए बड़े प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के 100 दिन पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी गुरु नानक मंडल में आयोजित बैठक में जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी ने भाजपा सरकार की उपलब्धियों को बताते हुए कहा कि कोरोना रूपी महामारी में केंद्र और राज्य सरकार के प्रयासों से महामारी एक संख्या तक सीमित रही। इस दौरान गरीबों की चिंता भी सरकार ने की। उन्होंने कहा कांग्रेस की कमलनाथ की सरकार ने 15 महीने में केवल ट्रांसफर उद्योग एवं रेत खनन का कार्य किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 100 दिन के अंदर उन सभी जनकल्याणी जनहितेशी योजनाओं को पुनः प्रारंभ किया जिन्हें कांग्रेस ने बंद कर दिया था। आज भोपाल जिले के गुरु नानक मंडल ने संगठन के द्वारा भोपाल में जो कार्यक्रम तय करे गए उसके अनुसार हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी के 100 दिन के कार्यकाल सेवा समर्पण और विश्वास का ये कार्यक्रम रखा और हमारे बूथ तक के कार्यकर्ता समाज के प्रमुख लोग आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए और हम सब लोगों ने जनता के सामने शिवराज जी के 100 दिन की जो उपलब्धियाँ रही, किस प्रकार उन्होंने कोरोना के संक्रमण काल में मध्य प्रदेश की सेवा करने का काम करा, किस प्रकार उन्होंने अप्रवासी मजदूर की बात करें या गरीबों की बात करें उनको राशन पहुंचाने का काम करा, किस प्रकार वो स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत मध्य प्रदेश में लोगों की सेवा करने का काम करा, इसी प्रकार की सभी योजनाओं का विस्तार से विवरण आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गुरु नानक मंडल के कार्यकर्ताओं के बीच रखा। भारतीय जनता पार्टी गुरु नानक मंडल के माध्यम से 3 वार्डों में सभाओं का आयोजन किया जा रहा था। आज वार्ड नंबर 10 और 9 की इस सभा में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के जो 100 दिवस पूरे हुए हैं, जो उनकी जनकल्याणी योजनाएं थी वो कमलनाथ मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने बंद की थी, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे वो कन्यादान योजना हो, चाहे वो संबल योजना हो, ऐसी कई सारी योजनाएं मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने 15 महीने के कार्यकाल में बंद की गई थी। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अपने कार्यकाल में जैसे ही उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ली, उन्होंने कोरोना में की बैठक कर बैठक आयोजित कर उसके बचाव के लिए कई सारे उपाय किए, साथ में संबल योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, ऐसी कई सारी कन्यादान योजना, ऐसी कई सारी योजनाओं को पुनः जीवित करके उनको चालू किया। इसके लिए गुरु नानक मंडल में भोपाल के सभी मंडलों में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।